मैं कहूँगा कि अभी तक का मेरा केमिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये एक बहुत नई फील्ड मुझे मिली यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग आके, जो कि पाकिस्तान में नहीं दिखाई जाती इसको, और एक नए पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जाता है यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग को। और अब मैं कहूँगा कि अब आके इंजीनियरिंग करिए, पहले तो वो बेसिक्स पढ़े थे, अब यहाँ पे आके इंजीनियरिंग करिए। उससे आप डिफरेंस, जिस तरह आपने बताया काफ़ी चीज़ें आपको डिफरेंट लगी हैं, वहाँ से आप कंपेयर करें अगर यहाँ को, तो क्या डिफरेंट चीज़ क्या है? रट्टा कम हो गया है, कॉन्सेप्ट से पढ़ना पड़ रहा है, या इन जनरल क्या डिफरेंट चीज़ क्या लगी है? मैं ये नहीं कहूँगा कि रट्टा डिफरेंट है या पढ़ाने का स्टाइल डिफरेंट है। मैं कहता हूँ कि इंसान का पढ़ने का स्टाइल डिफरेंट होता है, पढ़ाने वाला तो वही पढ़ाता है जो किताब में लिखा होता है। बट मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे लोगों का पढ़ाने का पर्सपेक्टिव अलग है। फॉर इंस्टेंस, पाकिस्तान में जो लोग केमिकल इंजीनियरिंग है, कोई भी इंजीनियरिंग की फील्ड में है, वो ये देखते हैं कि उनको इंजीनियरिंग इस तरीके से पढ़ाई जाती है कि वो उसको एट एन ऑपरेशनल लेवल सीख सकें। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप किसी शिफ्ट वाली इंडस्ट्री में जाते हैं जहाँ पे आपकी 8 घंटे या 6 घंटे या 10 घंटे की शिफ्ट होती है, आप वहाँ पे प्लांट पे खड़े होंगे, आपको डिफरेंट लाइंस पे से भेजा जाता है, आपको उसकी लाइन की वो करनी होती है, चेक करना होता है प्रेशर्स ठीक हैं, टेम्परेचर्स ठीक हैं, क्या आ रहा है, सब कुछ कैसा है। यहाँ पे जो है आपको जिस पर्सपेक्टिव से इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, वो आपको ये देखते हैं कि हाउ टू बी इनोवेटिव, हाउ टू बी कॉस्ट एफिशिएंट, हाउ टू बी इंटेंसिव, हाउ टू इंटेंसिफाई दिस प्रोसेस विद मच लेसर मनी टू डू द सेम। इंटेंसिफिकेशन का मतलब बेसिकली ये कि मैं वही प्रोसेस कैसे करूँ कम टाइम में कम पैसे के साथ। यहाँ पे इंजीनियरिंग को, और इसीलिए मैं इसको कह रहा था कि इंजीनियरिंग को इंजीनियरिंग के तौर पे सिखाया जाता है, आप यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, क्योंकि आपके पास जो भी चीज़ आती है वो एक प्रॉब्लम के तौर पे आती है, आप उसको टैकल करते हैं। और इससे जो है मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए, मैंने बहुत सीखा। लेकिन हाउएवर जो भी है, जो मैंने पाकिस्तान में सीखा था, वो मेरे लिए उसने मेरा बेसिस बनाया था। यहाँ पे आके उस बेसिस को मैंने बिल्ड किया, और जो एक नया पर्सपेक्टिव मिला मुझे यहाँ पे आके, वो मैं कहूँगा कि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। अब मैं बात करूँगा कि एज अ स्टूडेंट, आपको अभी 3rd सेमेस्टर हुआ है, ठीक है, आपका एक स्टिल आपका थीसिस अभी रहता है, आपको क्या लग रहा है जॉब के लिहाज से कि अगर आप ये डिग्री कर लेते हो तो आपके जॉब पर्सपेक्टिव विद इन जर्मनी क्या है? क्योंकि एक तो लैंग्वेज की जिस तरह मैंने बात की, लेकिन मैं बता दूँ इन्होंने लैंग्वेज का आई गेस C1 तक किया या B2 तक किया है, तो B2 काफ़ी लाइक इंटरमीडिएट से भी एक लेवल ऊपर है, तो एडवांस टाइप का लेवल है। C1 आता है, फिर C2 आता है, C2 इज़ लाइक आप एक्सपर्ट हो उस लैंग्वेज के। तो आपने B2 तक कर लिया है जर्मन में, अच्छा बड़ी एक अचीवमेंट है कि जर्मन में क्लासेस भी लेते हैं यहाँ पे, लाइक जर्मन स्टूडेंट्स को जर्मन ज़ुबान में पढ़ा रहे होते हैं, जो कि लाइक यार कूडोस। तो जर्मन लेवल इनकी उस जर्मन लैंग्वेज उस लेवल की है कि आराम से कन्वे भी कर लेते हैं और अपनी बात समझा भी लेते हैं, काफ़ी अच्छा फ्लुएंट बोल भी लेते हैं। अब जर्मन लैंग्वेज सीखने के बाद आपको अपनी फील्ड में क्या अपॉर्चुनिटीज़ लग रही हैं आगे जाके, इंडस्ट्री में भी, रिसर्च वाइज भी? क्योंकि यहाँ पे जर्मनी में मेनली 2 कैटेगरीज होती हैं, एक रिसर्च की और दूसरा आपकी जो प्रैक्टिकली इंडस्ट्रियल होती है। आप जिस किस में जाना चाह रहे हैं और जिसमें जाना चाह रहे हैं, उसके लिहाज से आपको अपॉर्चुनिटीज़ कितनी नज़र आ रही हैं? देखें, इसमें पहले मैं एक बात स्टार्ट कर दूँ कि फॉर इंजीनियरिंग यहाँ पे 3 फील्ड्स होती हैं इंजीनियरिंग की, किसी भी इंजीनियरिंग की फील्ड हो। सबसे पहली होती है जिसकी मुनीप भाई ने बात करी, वो होती है रिसर्च रिलेटेड, जिसमें आपका सिर्फ ये काम होता है कि आप बैठ के या तो कोई मॉडल बना रहे होते हैं या सिमुलेशन रन कर रहे होते हैं। फिर आती है डिज़ाइनिंग में आप कर दिए रहे होते हैं कि आपके पास एक प्रॉब्लम आती है, आप उसको सॉल्व करते हैं और उस सॉल्यूशन को आप एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। और थर्ड होती है जो होती है ऑपरेशन, जो कि पाकिस्तान में फोकस की जाती है, जिसमें आप जो है वो जॉब करते हैं वहाँ पे, आप सिर्फ ये देखते हैं कि जो सारा काम हो रहा है वो ठीक तरीके से हो रहा है, टाइम पे हो रहा है, सब कुछ। तो मेरा जो हमेशा से शौक रहा है वो जाने का रहा है डिज़ाइनिंग की फील्ड में। अभी जो मैं कर भी रहा हूँ, जो मेरे जो इस वक्त मैं प्रोफेसर्स के साथ काम कर रहा हूँ, वो भी डिज़ाइनिंग की फील्ड से रिलेटेड है। वो इसलिए क्योंकि हमेशा से मुझे जो है ना वो शौक था प्रॉब्लम सॉल्विंग का। मैं वो वाला आदमी नहीं हूँ कि जो रटे लगाता था, मुझे हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी सी चीज़ें पसंद थी, तो मुझे शौक भी था। तो आफ्टर बहुत डिस्कशन मुझे मैंने डिसाइड किया कि मैं डिज़ाइनिंग के सब फील्ड में डिज़ाइनिंग की मैं जाऊँगा। अच्छा, दूसरा सवाल जो था आपका कि जर्मन लैंग्वेज, देखें आप हम कहते हैं एज पाकिस्तानीज़ के जो जापानीज़ हैं उनकी हम बहुत तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने अपने आप को कहाँ से बिल्ड किया ये सब कुछ, और ये भी हम कहते हैं कि वो अपनी लैंग्वेज में करते हैं जो चीज़ करते हैं। तो आप अब जब यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, अगर आप अमेरिका जाते हैं या कनाडा जाते हैं, आप इंग्लिश में पढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ऑल्दो मेरा कोर्स इंग्लिश में है, बट मैं जर्मन इसलिए सीख के आया क्योंकि मुझे अपना यहाँ पे फ्यूचर बनाना है, मुझे अपना करियर बिल्ड करना है। तो मैं जर्मन एज अ टूल सीख के आया था, जो कि अब मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो तकरीबन मैंने गोएथे इंस्टीट्यूट से जर्मन सीखी थी, कराची में है वो, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल के सामने, B1 तक किया होगा। मैंने वहाँ से B2 किया था, B2 तक किया। इवन के मेरी 14 अगस्त 2018 में फ़्लाइट थी और मेरा 13 अगस्त को एग्ज़ाम था B2 का। माशाल्लाह।
तो एक दिन में जर्मनी की तैयारी करी नाइस कपड़े वपड़े खरीदे थे तो ये प्लान था मेरा. तो मैं जर्मन सिर्फ इसलिए सीख के आया था कि मुझे यहाँ पे एक अच्छा मैं अपना करियर बना सकूँ. अगर मुझे इसके मास्टर्स के बाद अगर पीएचडी करनी है या कोई और उससे हायर डिग्री करनी है तो मुझे उसमें फ़ायदा हो. मैं रिस्ट्रिक्टेड ना हूँ कि यार प्रोफेसर को या रिसर्च जो है यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी में किसी इंस्टीट्यूट में वो इंग्लिश में नहीं होगी तो मैं क्या करूँगा. अब ये है कि मैंने जर्मन यहाँ पे ऑल्दो सीख के आया था बट जब मैं जर्मनी पहुँचा और मैंने म्यूनिक एयरपोर्ट पे लोगों से बात करी तो मैंने कहा ये तो चाइनीज़ बोल रहे हैं. ये क्या तो मुझे पता चला कि यहाँ पे जर्मन जैसे पाकिस्तान में उर्दू के बहुत सारे डायलैक्ट्स होते हैं तो जर्मन के भी बहुत सारे डायलैक्ट्स होते हैं. श्वेबिश बिल्कुल. तो जो बायरिश और श्वेबिश जो इनका डायलैक्ट है वो बहुत चाइनीज से मिलता है. ये वाला डिफरेंस होता है. तो अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का मैंने पूछा था डिग्री के बाद. हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मेजरली जो रिवॉल्व करती हैं वो करती हैं लैंग्वेज की बेसिस पे. अगर कि आपको लैंग्वेज आती है तो आपको बहुत आराम से जॉब मिलेगी. दूसरी बात ये होती है कि क्योंकि जर्मनी में ऑल्दो जो कंपनीज़ हैं वो है तो अपना क्या कहते हैं उसको मल्टीनेशनल बट यूजुअली जो कंपनीज़ होती हैं उनका मल्टीनेशनल जो यूनिट होता है वो होता है उनके एचआर या फाइनेंस या सेल्स या मार्केटिंग डिपार्टमेंट का. उनका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो नहीं होता. मेरा कहने का मकसद ये है कि वो उनका डेली ऑपरेशन जो है वो जर्मन में होता है. जो लाइन इंजीनियर खड़ा होगा जो ऑप्टिमाइज़ जो कंट्रोल इंजीनियर बैठा होगा वो आपसे इंग्लिश में नहीं बात करेगा क्योंकि उसको आती ही नहीं है इंग्लिश. तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं यहाँ पे. तो इसलिए मैं तो मुझे भी सब लोगों ने ये रिकमेंड किया था कि जा रहे हो तो जर्मन सीख के जाओ. तो मैंने भी इसमें अपना इन्वेस्ट किया टाइम और पैसे इसमें इन्वेस्ट किए. तो लेकिन आप वो पे ऑफ कर रहे हैं. बिल्कुल पे ऑफ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अब मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं. जैसे मैं अभी जैसे मुनी भाई ने बताया मैं क्लासेस लेता हूँ जर्मन में. यहाँ पे मैं बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री और इस तरह की क्लासेस ले रहा होता हूँ यहाँ पे. और मैं सेमिनार अटेंड करता हूँ जो कि जर्मन में होते हैं. किसी का थीसिस डिफेंस है वो जर्मन में है तो मैं अटेंड करता हूँ. तो उससे मुझे एक एक्सपीरियंस मिलता है जब मेरा थीसिस डिफेंस होगा कैसे करना है क्या करना है कैसे बोलना है. बाकी ये कि जर्मन लैंग्वेज जो है मैं कहूँगा कि अगर आप इंजीनियरिंग की कोई प्योर फील्ड करने आ रहे हैं जैसे इलेक्ट्रिकल है जैसे केमिकल है मैकेनिकल है इसके लिए जो है वो जर्मन आपकी कंपलसरी है. आपने जर्मनी सेटल होना है तो ऑफकोर्स आप सेटल हो रहे हो उस मुल्क की ज़ुबान आपको नहीं आएगी तो सीन बैठ. आपका बच्चा आपको सुना रहा होगा आपको पता नहीं होगा क्या क्या इस जैसा बच्चा हो जाए तो ओके बदनाम कर रहे हैं मेरे घर वाले देखेंगे. अब जिस तरह आपने बात की 750 जितना भी आपका खर्चा बन रहा है महीने का वो निकाल किस तरह नहीं है. आई नो आप इंटर्नशिप्स कर रहे हैं. बिल्कुल. तो अच्छा वो किस तरह से हेल्प आउट करती है स्टूडेंट्स. मैं बता देता हूँ आपको अब मैं कैसे करता हूँ. मेरी इस वक्त दो स्टूडेंट जॉब्स हैं इस वक्त जिससे मुझे पे मिलती है. एक है जो जैसे मुनी भाई ने बताया आपको मैं क्लासेस लेता हूँ यहाँ पे. मैं समझ लें जैसे जो मेरे दोस्त यूएस या कनाडा में रहते हैं उन लोगों को टीचर असिस्टेंटशिप की जॉब मिलती है वैसे ही मुझे यहाँ पे एक प्रोफेसर के साथ टीचर असिस्टेंटशिप की जॉब मिली है. हर सब्जेक्ट की यहाँ पे दो क्लासेस होती हैं एक हफ्ते में. तो एक हफ्ते में जो एक क्लास होती है वो मेन प्रोफेसर लेते हैं और दूसरी क्लास होती है जो जिसको हम लोग सेमिनार कहते हैं वो मैं अटेंड करता हूँ. वो सेमिनार में जो है कभी मुझे एक्सरसाइजेस सॉल्व करवानी होती हैं कभी मुझे कोई लेक्चर देना होता है जो पिछली क्लास में रह गया था या कोई कन्फ्यूजन था तो मुझे रिपीट करना है उसको तो वो मैं क्लासेस लेता हूँ. दूसरी मेरी जो जॉब है वो मैं एक रिसर्च असिस्टेंट हूँ एक डिपार्टमेंट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट में. ऑल्दो ये डिपार्टमेंट अलग है हमारी फील्ड से बट ये है कि जो रिसर्च के लिए इनको जो आदमी चाहिए था जो एक्सपर्ट चाहिए था वो हमारी फील्ड केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड था. तो मैंने इसमें अप्लाई किया उसमें मेरा इंटरव्यू वगैरह हुआ. उन्होंने फिर देखा कि पोटेंशियल है लौंडे में तो उन्होंने सेलेक्ट किया फिर. और फिर अब मैं वहाँ पर रिसर्च असिस्टेंट हूँ तो मैं पूरे दिन वहाँ पर उनके साथ हफ्ते में दो दिन उनके साथ होता हूँ मैं. तो काफ़ी बहुत ही हेक्टिक्स का स्केड्यूल है क्योंकि कभी कभी मैं सैटरडे संडे पूरा मेरा यूनिवर्सिटी में निकल जाता है क्योंकि मुझे मंडे के लिए लेक्चर प्रिपेयर करना होता है या फिर कोई प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी होती है तो मेरा इसमें पूरा दिन निकल जाता है. तो काफ़ी जो होता है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है थोड़ा केओटिक हो जाता है मगर ये कि फिर जब आपकी CV पे ये चीज़ आती है तो ये इसकी रेपुटेशन एक अलग होती है तो बहुत हेल्प करती है आपको फ्यूचर में जाके ये चीज़ें. और दूसरी बात ये कि जो आप प्रोफेसर के साथ काम कर रहे हैं वो उस प्रोफेसर की नज़र में एक रेपुटेशन बन जाती है. नॉट ओनली कि ये मेहनती लड़का है या ये है वो है दूसरी बात ये होती है कि ये जो है ये किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. अब जैसे हम लोग हैं हम लोगों को जो है वो एक रिकग्निशन चाहिए होती है किसी ना किसी एक पॉइंट पे आके क्योंकि हमारी जो रेपुटेशन है वो इतनी अच्छी है नहीं. तो हम लोगों को कहीं ना कहीं एक रेपुटेशन चाहिए होती है जिसको जो हमारे मुल्क का नाम जो हमारी कल्चर का नाम इस तरह की चीज़ें जो उसको बूस्ट मिले यहाँ पे आके तो उससे जो है एक बहुत अच्छी एक वो बनती है. तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ. दूसरी बात ये है कि क्योंकि दोनों चीज़ें जर्मन में हैं तो इससे मेरी जर्मन ऑटोमेटिकली बिल्ड हो रही है और सबसे अच्छी बात ये कि पेड है तो पैसे मिलते हैं काम करने के. पैसे मिल जाते हैं. तो पैसे मिलते हैं काम करने के यहाँ पर. और एट दी एंड आपको
कितना हेल्प आउट करेगी ये चीज़ अगर आप इंडस्ट्री में जाते हो और आपने कोई इंडस्ट्री कोई फोकस करके रखा हुआ है कि मैंने इस इंडस्ट्री में जाना है, इसमें अप्लाई करना है, यहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे? देखें, इंडस्ट्री की बात अगर मैं करूँ तो इंडस्ट्री तो अभी मैं कहूँगा कि अभी लॉन्ग शॉट है वो, इसलिए क्योंकि मैं अभी थीसिस नहीं कर रहा अपना स्टार्ट, मुझे पता नहीं है कि मैं किस फील्ड में फोकस एग्जैक्टली किस फील्ड में फोकस करूँगा, क्योंकि अभी जो है वो बिल्कुल मुझे कुछ अभी मैं खुद भी क्लियर नहीं हूँ इस चीज़ में। दूसरी बात यह कि हेल्प बिल्कुल करेगी वो, इसलिए क्योंकि मैं जो जर्मन सीख के आया हूँ उसमें जो जर्मन है वो आपको डेली लाइफ लैंग्वेज सिखाते हैं, मतलब अगर आप अखबार पढ़ लें, आप न्यूज़ देख लें, आपको जर्मन समझ में आ जाएगी, आप किसी से बात करें आपको समझ में आ जाएगी, मगर ये कि उसमें टेक्निकल नहीं सिखाई जाती। अब जैसे ये कि अगर के अब जर्मनी में जो है वो हर चीज़ डिफरेंट है, फॉर इंस्टेंस इनका पीरियोडिक टेबल जितनी बेसिक जैसी चीज़ वो भी अलग है, तो आपको उसमें जब आपको उसकी टेक्निकल जो कन्वर्सेशन करनी होती है ना उसकी जर्मन अलग होती है और वो कोई नहीं पढ़ाता आपको, तो इससे मेरी ये चीज़ बिल्ड हो रही है, बिल्कुल टेक्निकल स्किल्स में बिल्ड हो रही है। तो ये बड़ा मैटर करता है, बिल्कुल ये बहुत मैटर करती है चीज़ें, क्योंकि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपको सबसे पहले इस बेसिस पे रखते हैं कि हमें इसको कितना ट्रेन करना पड़ेगा और कितना इंटेंसिवली ट्रेन करना पड़ेगा। अगर कि मेरी इंटेंसिविटी यहाँ पे जो इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है ट्रेनिंग की, तो ऑटोमेटिकली मैं उनके लिए एक फेवरेट कैंडिडेट दूंगा, क्योंकि वो फिर कम टाइम इन्वेस्ट करेंगे और टाइम इन्वेस्ट कम जब कम करेंगे तो उसका मतलब है कि कैपिटल कॉस्ट इन्वेस्टमेंट मुझ पर कम होगी। तो इसलिए जो है ना ये मैं करता इस तरह की चीज़ों में थोड़ा सा एक्टिव होता हूँ, ऑल्दो ये मेरा पूरा दिन खा जाते हैं ये, बट क्या करें, फ़ायदा उसी का होता है फिर। तो देखें कितनी बिजी रूटीन से इन्होंने ना टाइम निकाला है मेरे लिए, मुझे उम्मीद है जो भी इस फील्ड से रिलेटेड होंगे, केमिकल मटेरियल इवन दूसरी इंजीनियरिंग फील्ड से, उन्हें काफ़ी हेल्प आउट करेगी ये चीज़ जो अभी बताई है, अगर आपने ना लॉन्ग टर्म यहाँ पर सेटल होना है तो बहुत अच्छी बात है कि असद भाई, असद भाई आपने नाम याद है मुझे, असद भाई आपने सही है भाई, भूल गए भाई, भूल गए, क्रिकेट ब्लॉग हमने मशहूर किया, भूल गए, ठीक है। हाँ, अगर क्रिकेट ब्लॉग नहीं देखा तो उसमें भाईजान बैटिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं, वो भी देखना, मैं कार्ड डाल दूंगा ऊपर। खैर, अगेन बहुत शुक्रिया आपका, और कोई छोटा सा पैगाम है मेरी ऑडियंस के लिए, अब जो पाकिस्तान में बैठे हैं जो आपको देख रहे हैं, आपके जूनियर सीनियर जो भी यार, पता नहीं ऐसी बातें करके ना अभी बुढ़ा बुढ़ा सी फीलिंग आ गई है, ऐसी बातें करता नहीं हूँ, यार तब से कर रहे हैं अभी थोड़ी सही बात है, ऐसा अजीब सा लग रहा है मुझे। अब पता है लड़के हम जाके अंकल अंकल कहते हैं, सही बात है, मुझे भी पाकिस्तान में अंकल अंकल कहते हैं, बट कोई बात नहीं, इग्नोर करें, वक्त आता है भाई सबका, उनका भी आएगा ऐसे की तरह। यार कुछ है नहीं ऐसा मशवरा, बस यही है जो बातें करी हैं यही है, हमने बहुत मुश्किल से सीखी बातें क्योंकि हमारे कोई गाइड करने वाला था नहीं हमें इतना ज़्यादा, बड़ी मुश्किलों से लोगों के पीछे भाग भाग के चीज़ें सीखी हमने, बट ये है कि जैसे हम यहाँ जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे बेइंतहा ज़बरदस्त सीनियर्स मिले, जैसे मुनीब भाई तो नहीं है उसमें, बट ये कि नहीं नहीं जैसे ये जैसे मुनीब भाई वगैरह हो गए, क्योंकि ये तो हैं तो मेरी फील्ड के ही सीनियर और मेरे डिपार्टमेंट में ही होते हैं, ऑल्दो इनका मास्टर्स ईएसटी की तरफ फोकस था और मेरा केमिकल इंजीनियरिंग, बट हम एक ही फैकल्टी के अंदर आते हैं, तो काफ़ी हेल्प करी इन्होंने मेरी चीज़ों में, गाइडेंस करी और इस तरह की चीज़ें। बाकी जो दूसरी फील्ड के सीनियर्स हैं उनके साथ होता हूँ इधर, बाकी कुछ भी नहीं है, बस ये है कि घर वालों से बात कर लिया करो रोज़ एक घंटा, मैं बहुत मिस करता हूँ घर वालों को अपने, मैं भी अम्मी मिसिंग यू अम्मी आपके घर वालों को मेरी तरफ से भी सलाम, अगर वो देखते हैं मुझे तो अम्मी को बहुत याद करते हैं, अम्मी की बहुत खाने बना के सीख के खाना बनाना सीख के आना भाई, क्योंकि हमने तो बहुत खाने जलाए हैं, सही बात है, क्यों क्या बात कर रहे हैं ना, कितने जलाए हैं अभी तक जलाता हूँ यार, पराठे नहीं हमसे बनते सही से, तो खाने बना के भाई आना, दुखी कर रहे हैं, सही बात है यार, भूख भी लग रही है मुझे अभी, अभी मंड गया है पीछे, भूख लगी, वो यार सुबह से कुछ नहीं खाया, पढ़ाई के ब्लॉग में पीछे की बात होगी, भूख लगी है क्या करें। अच्छा चलें, ये थे हमारे असद भाई, और उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, गिव्स इट अ थंब अप, और असद भाई को अब मैं निकालता हूँ, बल्कि ये मुझे निकालते हैं, इनके घर आया हूँ मैं, खुद निकल रहा हूँ अभी, चलें असद भाई निकलते हैं फिर हम दोनों, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।